वक्त बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना रूस के राष्ट्रपति पुतिन से की है। अमरावती में भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि आज देश की जनता चिंतित है कि क्या इस देश में मोदी के रूप में कोई नया पुतिन तैयार हो रहा है। और शरद पवार अकेले नहीं है जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तुलना व्लादिमीर पुतिन यानी रूस के राष्ट्रपति से की है। वहीं ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर की रेकी का मामला 26/11 के मुंबई आतंकी से जुड़ गया है। तृणमूल कांग्रेस का दावा है कि मुंबई से गिरफ्तार आरोपी राजा राम रेगे अभिषेक बनर्जी पर 26/11 जैसे आतंकी हमले को प्लान कर रहा था। इन दावों के पीछे सच क्या है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। क्या बंगाल में 26/11 जैसी वारदात होने वाली थी? क्या राजा राम रेगे का मकसद बंगाल को थैलाना था? क्या है अभिषेक बनर्जी के घर की रेकी और 26/11 का कनेक्शन? लोकसभा चुनावों की तपिश के बीच पश्चिम बंगाल में अभिषेक बनर्जी के घर की रेकी का मामला उफान मारने लगा है। टीएमसी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि राजा राम रेगे 26/11 जैसे आतंकी हमले की प्लानिंग कर रहा था। Certainly linked to 26/11 was planning something catastrophic. It was busted on time. दरअसल राजा राम रेगे पर अभिषेक बनर्जी के घर की रेकी का आरोप है। कोलकाता पुलिस ने राजा राम रेगे को मुंबई से गिरफ्तार किया है। राजा राम रेगे को कोर्ट में पेशी के बाद 5 दिन की रिमांड पर भी भेज दिया गया है। दावा किया जा रहा है कि राजा राम रेगे और मुंबई हमलों के आरोपी डेविड हेडली का कनेक्शन है। मुंबई में राजा राम रेगे से डेविड हेडली की मुलाकात हुई थी। शिकागो कोर्ट में खुद डेविड हेडली ने राजा राम रेगे से मुलाकात की बात कबूल की थी। डेविड हेडली ने ही बताया था कि उसने राजा राम रेगे से मुंबई में मदद दी थी। राजा राम रेगे मुंबई का ही रहने वाला है। उन्होंने किसी भी तरीके से उनका मोबाइल नंबर उन्होंने कहीं से पता किया है, उनके साथ में कांटेक्ट करने की कोशिश की है। जब हम लोगों ने इसकी तहकीकात की तो पता लगा कि इस आदमी का नाम राजा राम रेगे है, जो मुंबई का रहने वाला है। और राजा राम रेगे के बारे में फर्दर जब हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया तो ये पता लगा कि राजा राम रेगे वही आदमी है जिसका रोल 26/11 के वक्त जो है डेविड हेडली के साथ में कांटेक्ट के रूप में सामने आया था। यही वजह है कि बंगाल सरकार ने अभिषेक बनर्जी के घर की रेकी के इस चौंकाने वाले मामले को 26/11 के आतंकी हमलों से जोड़ दिया है और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ गहरी साजिश करार दिया है। इतना ही नहीं, बंगाल सरकार आरोपी राजा राम रेगे की गिरफ्तारी के बाद कोलकाता पुलिस की पीठ थपथपा रही है, जबकि बीजेपी से ममता बनर्जी और बंगाल पुलिस की मिली भगत का आरोप लगा रही है। कलकत्ता पुलिस बहुत अच्छा एक्शन लिया, ये इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इसके पीछे कौन है, कौन असाइनमेंट दे रहा है, किसका कहने पे, किसका सुपारी से ये काम कर रहा है, ये अभी इन्वेस्टिगेशन के पार्ट है। पश्चिम बंगाल का पुलिस और मुख्यमंत्री महोदया के भाषण में कोई मिली भगत है, कौन किसको बोलता है? देखिए, ये चीज़ कोई बहुत इसको हल्के से नहीं लेना चाहिए। जहाँ तक अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा बढ़ाने का है, ये पश्चिम बंगाल सरकार का अधीन है, वो जो इच्छा करें। हमको तो ये सुनने में आता है कि जब वो एक जैसे दूसरे जगह जाते हैं तो 2500 से अधिक सिपाही उनके संग चलते हैं, 2500। ये शायद माननीय प्रधानमंत्री जी के संग भी इतना बड़ा सुरक्षा डिटेल नहीं चलता है। जाहिर है पश्चिम बंगाल की सियासत में अभिषेक बनर्जी के घर की रेकी का मामला और बढ़ने वाला है।